नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। ये हमारी फिल्म समय के साथ, इसका डायरेक्शन मैंने ही दिया है। और हमारी फिल्म A4 फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसके प्रोड्यूसर अंशद कुमार जी हैं। और ये फिल्म हमारी काफ़ी भावनात्मक फिल्म है, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद है। सर, कास्टिंग के बारे में बताइए कि कास्टिंग कौन कौन है, कौन कौन और कौन इसमें है, किस प्रकार से कास्टिंग है? कास्टिंग ऐसा है कि अशोक त्रिपाठी अत्री जी ने फादर का कैरेक्टर किया है, जो काफ़ी अच्छा है। और उनके दो बेटे हैं, एक अंशद कुमार जी और एक हमारे तिवारी जी। ये हमें सिलेक्शन में थोड़ा समय लग गया था कैरेक्टर्स को, क्योंकि हमारे परफेक्ट फादर का सिलेक्शन थोड़ा टिपिकल था। सो देयरफॉर आई चूज अशोक त्रिपाठी अत्री कि वो इस फिल्म को अच्छे से खड़ा कर पाए, और उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस। एनीथिंग एल्स सर? सर, ये भी जानना चाहेंगे, जो कहानी है पारिवारिक कहानी है, फिर परिवार के अंदर जो एक बिखराव आता है, इस तरह का दिखाया गया है, और ऐसे सब्जेक्ट पे और भी कहानियां बनी, इस कहानी में दर्शक क्या नया देखेंगे? हमारे जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनके साथ हमारे बीच एक खाई तैयार है। वो पाश्चात्य सभ्यता को अच्छे से पकड़ रहे हैं, और हम हैं कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं, जो इधर की सभ्यता है हमारी पुरानी सोच, आई मीन टू से दैट नॉट सभ्यता। तो इन सोच के बीच में जो दरार आ रही है ना, वो काफ़ी मुश्किल है। उस दरार को ही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और हमारी फिल्म की कहानी ऐसी ही है कि जो पिताजी हैं, पिताजी पुरानी ख्याल को सोचते हुए नए ख्याल के साथ अटैच नहीं हो पा रहे, और बच्चे हैं कि लव इस प्यार प्रेम और मोहब्बत, कॉलेज में झगड़ा करना और किसी से भी कहीं भी बेबाक होकर बात कर लेना, तो वो उनके जेहन में भी नहीं आ रहा कि हमारे बेटे ऐसी बात कर पाएंगे, और उनकी सोच से उनके बेटे चल नहीं पा रहे। शो देयर पर एक क्लैश उभरता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब एज ए फादर, जो अत्री जी ने कैरेक्टर प्ले किया हमारी फिल्म में, डेड ए वंडरफुल वर्क, एक समय आता है कि वो कहते हैं कि नहीं, समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और हम भी समयानुकूल परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को परिवर्तित करेंगे, और वो भी कुछ स्टेप्स लेते हैं जो अभी के लिए बहुत बेहतर होता है। सर, मैं एक पत्रकार के हिसाब से एक सवाल करना ये चाहूँगा। मैंने टेलर देखा है, टेलर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक संगीत का होता है, जब कोई पारिवारिक फिल्म बनती है तो एक परिवार को लेकर एक संगीत बनता है, गाना बनता है, जो पूरी फिल्म को हिट कर देता है। जरूर जरूर। मैंने इस फिल्म में उसको मिस किया है, क्या इस तरह का गाना है? अगर है तो इसमें क्यों डाला गया? इस तरह का गाना है, लेकिन हमने डाला नहीं है फिलहाल, क्योंकि डालने के पीछे क्या होता था कि हमारी फिल्म टोटली चली जाती थी लव पे। हमने जब स्क्रिप्ट तैयार की थी तो ये एक टोटल लव स्टोरी टाइप की था, सो कुछ कुछ परिस्थितियों और मेकिंग के ऊपर डिपेंड होकर भी हम लोग को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि वो गाना अगर हम डाल देते हैं तो फिल्म कहीं से कहीं चली जा रही है, सो देयरफॉर हमने उस गाने को रोक के रखा। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? सर, हमारी शूटिंग बिहार में भी हुई है, बिहार समस्तीपुर में शूट किया हमने, और लखनऊ में भी शूट किया है, और बलिया में भी शूट किया है। क्या गाने कब तक पाएंगे? विद इन 1 मंथ। हम OTT पर भी बात कर चुके हैं, और हमें 3 से 4 दिन के अंदर क्लियरेंस मिलेगा। टाइटल समय के साथ इज कंफर्म, और ये हमारा रजिस्टर्ड टाइटल। सर, जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका किस प्रकार से सहयोग है? वैसे इस फिल्म का DOP शिवम जी हैं, लेकिन मेरे को कुछ व्यस्तता के उनके कारण मैं इस पिक्चर में कुछ दिन काम कर चुका है एज ए DOP। सर, ठीक। हाँ, तो
उस हिसाब से मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। फाइनली सर, आपने टेलर तो देखा होगा, हाँ, और आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है टेलर देखने के बाद? आपके बगल में डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब ने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, उस बात में बताइए। टेलर देखने के बाद एक बात अच्छा लगा मुझे कि जो नई पीढ़ी जो अपना सोच बना कर चल रही है समाज के अंदर, जो पुरानी पीढ़ी, दोनों को तालमेल बैठाते हुए एक ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों अलगाव होते हुए भी एक साथ मिलने का प्रयास करते हैं और उस फिल्म को आगे ले जाते हैं। अब ज़्यादा इस कहानी को नहीं बता पाऊंगा कि मीडिया के सामने तो आगे भी पिक्चर देखना है पब्लिक को। एक्टिंग के लिए सर बताइए कि दो उसमें दो हीरो हैं, दो हीरोइन हैं, एक्टिंग किस प्रकार की लगी? एक्टिंग देखिए, करेक्टर में अपने सब अच्छे हैं, जो भी करेक्टर इनको दिया गया वो अपने रोल में अच्छे निभाए हैं, बाकी सब पर्दे पर आने के बाद सब आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।